नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी डुमरा के हवाई अड्डा मैदान से लाइव हूं। मैं आपको बता सकता हूं, दिखला सकता हूं कि हमारे पीछे ये जो आप बैठक देख रहे हैं, ये सीतामढ़ी जिला पंचायत के वार्ड सदस्यों की बैठक है। जी हाँ, यहाँ पर वार्ड सदस्यों की बैठक चल रही है और वार्ड सदस्यों के जिला संघ के अध्यक्ष राम प्रवेश राय भाषण दे रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इस वक्त जिला वार्ड पंचायत संघ डुमरा हवाई अड्डा मैदान में बैठ करके जिस तरीके से पिछले दिनों में बिहार सरकार ने सरकार के विधानसभा, विधान परिषद, आप कह लें कि MLA, MLC और तमाम सरकारी कर्मचारी व नगर परिषद के वार्ड सदस्यों का वेतन बढ़ाया है, उसी तरीके से जिला पंचायत के जो वार्ड सदस्य हैं वो लोग सरकार से अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जबकि नीतीश सरकार ने 2015 से वार्ड के सदस्यों के लिए 500 रुपये मंथली मुंतखब किया कि 500 रुपया महीने में पंचायत के वार्ड सदस्यों को मिलेगा। अब इनकी मांग है कि जिस तरीके से आपने सरकार से मांग है कि जिस तरीके से आपने शहरी जो वार्ड होते हैं उनके वार्ड कमिश्नरों के पैसे बढ़ाया है, उनके वेतन को बढ़ाया है, उसी तरीके से कम वार्ड सदस्यों को कम से कम 5,000 रुपये के महीने मिलने चाहिए। इनकी मांग को वॉइस ऑफ सीतामढ़ी जायज ठहराता है। उसकी वजह यह है कि आप आए दिन देखते होंगे कभी कभी अखबारों में, पूरी बिहार में ये हाल है कि अक्सर कहीं का ये मामला आता होगा कि साहब फला वार्ड के सदस्य ने नल जल योजना के सारे पैसे निकाल लिए। सरकार महोदय, मैं ये सवाल करूंगा बिहार सरकार से कि क्या बिहार सरकार सिर्फ 500 रुपये के महीने में जिला में, पंचायतों में, वार्डों में पंचायत के वार्ड सदस्यों को खटवाएंगे, उनसे काम लेंगे? अगर ऐसे हालत में सिर्फ 500 रुपये महीने मिलते हैं वार्ड सदस्यों को और उन्हें राशि मिलती है विकास के लिए नल योजना में लगभग 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख ऐसे राशि मिल रही है, तो फिर आप मुझे ये बताएं। मैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी के तमाम दर्शकों से इस पर राय लेना चाहूंगा, मैं आपके कमेंट चाहूंगा कि अगर किसी वार्ड सदस्य या कह ले कि वार्ड अध्यक्षों की का जो वेतन होगा वो 500 रुपये होगा और उनके खाते में सरकार डालेगी 5 लाख, 10 लाख और उन्हें कहेंगी कि विकास करो, तो साहब ऐसे में वार्ड सदस्य की नियत क्यों ना खराब होगी? और अगर कहीं कोई चोरी होती है तो इसके लिए जिम्मेदार मैं सीधा सीधा बिहार सरकार को मानता हूं, पंचायती राज सरकार को मानता हूं, पंचायती राज सरकार के सिस्टम को मानता हूं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ 500 रुपये दे करके आपने वार्ड सदस्यों को, वार्ड अध्यक्षों को इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं हो, ऐसा बिल्कुल मुनासिब नहीं हो सकता है। ये ह्यूमन राइट्स का भी हनन होगा, मैं कह सकता हूं यहां पर। 500 रुपये में साहब काम नहीं चलने को है। 500 रुपये में ये जो डुमरा हवाई अड्डा फील्ड में आए हैं, जिला में 273 पंचायत है, 273 पंचायत के लोग इस फील्ड में आए हैं, इस फील्ड में आने में इनके 500 रुपये खर्च हो गए होंगे, ये बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूं। तो फिर सरकार महोदय, सरकारी सिस्टम महोदय और पंचायती राज में बैठे हुए आला कमान महोदय, आप मुझे बताएं कि 500 रुपये में कब तक चलेगा? और अगर ऐसे हालत में कोई वार्ड सदस्य पैसे घपले कर लेता है तो फिर आपकी सरकार और आपका सिस्टम और आपकी पुलिस हथकड़ी लेकर ढूंढेंगी उसे। साहब चोर तो आप बनाते हो क्या सर? मैं अगर गलत करता हूं तो आप, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप कमेंट करके मुझे लिखो। और मैं इस पर तमाम दर्शकों की राय जानना चाहूंगा कि बिहार सरकार में जो सिस्टम का जो फेलियर है, सरकार कहती है कि चोरी कर लिया मुखिया ने, सरकार कहती है कि वार्ड सदस्य के खाते में हमने नल जल की राशि डाली उसने निकाल लिया। अरे साहब, 500 रुपये में आप 10 लाख का रखवाली करवाओगे? 500 रुपये भत्ता देकर के महीने का 10 लाख सुरक्षित करवाओगे? ये कहां का न्याय है? ये सरासर मानवाधिकारों का हनन है। यहां पर ये लोग पहुंचे हैं जिला में 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से 17 प्रखंडों से लोग यहां जब पहुंचे हैं, 273 पंचायत से जब लोग यहां पहुंचे तो उनके 500 रुपये तो आज ही खर्च हो गए, तो बाकी के 29 दिन कहां से चलेंगे? घोटाला तो होगा ही होगा। इसीलिए सरकारी सिस्टम के बड़े बाबू और सरकारी सिस्टम मशीनरी के इस्तेमाल करने वाले आला कमान लोग, आपको सलाम, प्रणाम, आदाब। आप हुजूर थोड़ा ध्यान दीजिए, सिस्टम आपके वजह से फेल हो रहा है, न कि इनके वजह से। और इनकी जो मांगे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी इसको बिल्कुल जायज ठहराता है। वही नल जल योजनाओं में जो इन्हें पावर दिया गया है, जब 2017 से वार्ड सदस्यों का नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वार्ड अध्यक्ष कर दिया और नल जल योजना में इन्हें इतना पावर दिया गया,
कि ये अब विकास हर घर नल जल योजना, पक्की गली नाली बनाएंगे, लेकिन फिर भी इनके राशियों के ऊपर एक निगाही डाला है, वो है मुखिया का। मुखिया को ऐसा लगता है कि ये पैसा उनकी बपौती है, इस पैसे पर उनका मीरास है, इस पैसे पर उनका मीरास है। लेकिन साहब, पैसा तो सरकार का होता है, सिस्टम का होता है, और पैसा किसी सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोगों का नहीं होता है, वो सरकार का होता है, वो इन्हीं जनमानस का होता है, जहां टैक्स कटकर जाता है सरकार में, और फिर वो वापस आकर के आम जनता के लिए इस्तेमाल होता है। तो मुखियाओं पर भी कंट्रोल करने के लिए, उन पर भी नकेल डालने के लिए बीडीओ साहब की भी उदासीनता देखी जाती है। और मैंने इससे पहले भी वार्ड सदस्यों की ये जो पीड़ा है, ये मैंने रखा है, गांधी जी ने जो एक सपना देखा था, वो सपना ये था कि पंचायती राज सरकार हो, और सरकार जो है वो डायरेक्ट किसी बिचौलिया के बगैर पंचायत के हर एक आम आदमी तक पहुंचे। तो 500 रुपए में सरकार हर आम आदमी तक कैसे पहुंचेगी साहब? गांधी जी के सपनों का कहां साकार करोगे? 500 में तो साहब आपके बच्चों के पॉकेट खर्च भी नहीं चलेंगे महीने के। और आपने इतने बड़े बड़े लोगों को, आप देखिए यहां पर महिलाएं हैं, पुरुष है, आप देख सकते हैं इनके ऊपर सही से वस्त्र नहीं है। वार्ड अध्यक्ष है साहब, मैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिल्कुल इनके मांग को जांच चाहता हूं, लेकिन ये कहूंगा कि कोई भी अगर आप मांग रखते हैं तो इसी तरीके से शांतिपूर्ण मांग करिए, और शांतिपूर्ण जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, जो गांधीवादी तरीका होता है, उस तरीके से आप अपने मांग को मांगे। हमारे साथ हैं सीतामढ़ी जिला के वार्ड संघ अध्यक्ष राम परवेश राय जी। सीतामढ़ी जिला वार्ड सदस्य महासंघ के जिला अध्यक्ष मैं राम परवेश यादव जी। आज सीतामढ़ी जिला वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक हो रही है जी। हम इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के बाद जी। इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि राज्य सरकार ने हमें वार्ड सदस्य से वार्ड अध्यक्ष बना करके जो सम्मान दिया है, हम बिहार के मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2015 में जो वार्ड सदस्यों का मासिक नियत भत्ता 500 रुपया तय हुआ, आज 3.5 बरस बीत गया है, वह 500 रुपया अब हमें स्वीकार नहीं है। हम इसे चाहते हैं कि आपने जो हमें वार्ड अध्यक्ष बनाया है, तो इसके आधार पर हमें मासिक नियत भत्ता कम से कम 5000 रुपया होना चाहिए। क्योंकि मुझे कई समितियों का अपने अध्यक्ष बना दिया, वार्ड सभा का अध्यक्ष बनाया, वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया, विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया, आंगनवाड़ी केंद्र का अध्यक्ष बनाया, स्वच्छता समिति का अध्यक्ष बनाया, गरीबी उन्मूलन और विवाह प्रथा जैसे जो सो बाल विवाह और बाल मजदूरी को रोकने की समिति का अध्यक्ष बना दिया, वार्ड में शांति सद्भाव समिति का अध्यक्ष बना दिया। यानी वार्ड स्तर पर जितनी भी केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाएं का क्रियान्वयन होता है, शांति सद्भाव की बैठक होती है, उन तमाम बैठकों में के लिए हम अध्यक्ष नामित हैं, और अध्यक्ष को दायित्व को निर्वहन करने के लिए हम सुबह से शाम तक वार्ड सभा की जनता के सेवा में तत्पर रहते हैं। हमारे पास जो समय है उस समय का हम सदुपयोग करते हैं, तो हमारे मेहनत के अनुकूल हमें मजदूरी भी मिलनी चाहिए। इस संबंध में आपने मुख्यमंत्री के यहाँ या आपके संघ ने मुख्यमंत्री का मांग रखा है क्या? मैंने आज से एक सप्ताह पहले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पंचायती राज मंत्री माननीय श्री कपिल देव कामत, बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के पास एक मेल करके उन्हें मैंने इसे अवगत करा दिया है। वो तब अवगत कराया जब इन्होंने बिहार के विधायकों का और विधान पार्षदों के मासिक वेतन और अन्य भत्ता में कई गुना वृद्धि किया है। क्या लगता है ऐसा कि जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो लोग बिहार विधानसभा या विधान परिषद में बैठते हैं, वो तो सरकार बनाते हैं, वो सरकार चलाते हैं,
तो कानून तो वही पास करते हैं, तो अपने लिए उन्होंने इंतजाम किया। और आप लोग जो निचले क्लास के लोग हैं, जो सही मायने में गांव से, ग्रामीण से, खेत खलियानों से जुड़े हुए हैं, समाज की समस्याओं को देखते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं किया। मैं मानता हूं कि विधानसभा में पक्ष हो या विपक्ष हो, जब उनको अपने व्यक्तिगत लाभ का मामला आता है, अपना वेतन भत्ता बढ़ोतरी की बात आती है, तो सारे लोग एक खेमा में आ जाते हैं, सभी के सभी सर्वानुमति से अपना बढ़े हुए वेतन को पास कर लेते हैं, भत्ता को पास कर लेते हैं और क्षेत्रीय भत्ता को पास कर लेते हैं। लेकिन जब वहीं पर पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों का मामला आता है, तो इन्हें दिखाई नहीं देता है कि अपने छोटे भाई के लिए भी हम कुछ सोचे। जैसा जनप्रतिनिधि वे है, वैसा जनप्रतिनिधि मैं भी हूँ। मेरे नाम के सामने भी माननीय लगा हुआ है और उनके सामने के भी लगा हुआ है। फर्क इतना ही है कि वे उच्च सदन के जनप्रतिनिधि है और मैं जो है स्थानीय निकाय के सबसे अंतिम कॉर्नर में खड़े व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूँ। क्या लगता है ऐसा कि सरकार ठग रही है? चूंकि 10 लाख रुपए की रखवाली मेंबर वार्ड अध्यक्ष करे, 7 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की और वार्ड अध्यक्षों को काम करने के लिए दिया जाए, फिर सरकार का या फिर सरकारी सिस्टम का या पुलिस वालों का या डीएम साहब का या बीडीओ साहब का या गांव ग्रामीण के लोगों की ये आवाज़ आए कि साहब मेंबर ने, वार्ड अध्यक्ष ने ये काम किया, उसमें घोटाले हो गए। अगर ऐसा घोटाला होता है और सही मायने में घोटाले साबित होते हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये चोरी कराने के लिए ये प्रेरित कौन कर रहा है? मैं आपके क्वेश्चन को इस रूप में कहना चाहता हूं कि सरकार ने हमें संवैधानिक रूप से वार्ड सभा और वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के माध्यम से जो दायित्व दिया है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में हर घर नल का जल और पक्की गली नाली का निर्माण कराने के लिए, मैं निष्ठापूर्वक उस दायित्व को निर्वहन करने के लिए तत्पर हूँ। गड़बड़ी अगर कहीं पर होती है तो गड़बड़ी करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसके पक्षधर हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमको मासिक नियत भत्ता कम मिलता है, इसके चलते हाँ कोई जानबूझ करके गड़बड़ी करे। तो वैसे वार्ड सदस्य हो या वार्ड अध्यक्ष हो या पंचायती राज का अन्य जनप्रतिनिधि हो, उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। मैं मांग करता हूँ अपना हक, मैं अपील करता हूँ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं वह पद सम्मानित पद है और बिहार की सबसे एक नंबर की कुर्सी है, वह एक नंबर की कुर्सी से सारे बिहार की जनता आम आवाम आसान्वित है। मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान सम एक, पालई पोसई अंग सभी, तुलसी सहित विवेक। आपने जो जिस दायित्व को निर्वहन करने का सिलसिला जारी किया है, एक मुंह भोजन करता है और सभी अंग को शक्ति देता है, हाथ गोर पैर नाक कान सबको, उसी प्रकार हम ये आशा करते हैं कि आपने अन्य सरकारी सेवकों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, विधान पार्षदों को जिस तरह मासिक नियत मासिक वेतन बढ़ाने का काम किया है, हम वार्ड सदस्यों सहित पंचायती राज के हम जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत समिति का सदस्य हो, चाहे जिला परिषद का सदस्य हो, जिला परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रमुख उपप्रमुख हो, उप मुखिया से लेके उप सरपंच तक हो, मैं सभी के मासिक नियत भत्ता में सम्मानजनक वृद्धि की मांग करते हुए वार्ड अध्यक्ष के लिए जो बढ़े हुए कार्य बोझ है उसके आधार पर हम इसके लिए 5,000 रुपया प्रति माह भुगतान करने की मांग करते हैं। अच्छा, ये समस्या आती है हमेशा वार्ड सदस्यों के द्वारा कि उनका जो नल जल योजना जो सरकार ने उन्हें दायित्व दिया है, जो काम दिया है, अभी तक जिला में ऐसे कई वार्ड हैं, कई पंचायत हैं जहां पर मुखिया जो है मनमानी कर रहे हैं, मुखिया नल जल योजना में राशि जारी नहीं कर रहे हैं, राशि नहीं आ रही है, तो क्या इस तरह की समस्या अभी भी आ रही है? और आपका मुद्दा ये भी है, समस्या है, राज्य सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया वित्तीय वर्ष वार
प्रथम चरण में 16-17 में 20%, 17-18 में 30% और 18-19 में पुनः 30%, यानी अब तक 50% कार्य का पूर्ण और 30% में शुभारंभ रहना चाहिए, यानी 80% वार्डों में कार्य दिखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज कहीं पर कनिया अभियंता, कहीं पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, तो कहीं पर पंचायत सचिव और अधिकांश जगहों पर मुखिया के कारण अभी चयनित वार्डो में 100% न राशि दी गई है और न विकास के कार्य शुरू हुआ है। इसलिए अभी भी समस्या है, सीतामढ़ी जिला की उपलब्धि जो है, कार्यों की जो गति है, वो संतोषजनक नहीं है। मैं विगत दिनों जिला पदाधिकारी से मिला, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र ही गति लाने का काम करूंगा। और जो प्रशासन का कैसा सहयोग है आपके पंचायत? जिला पदाधिकारी का सहयोग सराहनीय है। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का जो हम लोगों को सहयोग मिल रहा है, उनको विकास में जो रुचि है, वह अपने आप में जो अपने आप में प्रशंसनीय है। उनकी जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम होगा। अभी आपने देखा है ODF सहित अन्य 7 क्षेत्रों का अवार्ड उन्होंने बिहार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है और 1 में दूसरे पुरस्कार प्राप्त किया है। हम तो आशान्वित है कि जिला पदाधिकारी का जिस अनुकूल प्रयास जारी है, उस अनुकूल अगर प्रखंड और पंचायत सहयोग करे तो मुख्यमंत्री निश्चय योजना का अवार्ड भी सीतामढ़ी के जिला पद। कम शब्दों में बोले, मुखियाओं पर नकेल कैसे लगेगा? मुखिया आपके फंड, आपके अकाउंट में पैसे कैसे डालेगा? क्या करना होगा सरकार को मुखियाओं के साथ? सरकार ने वार्ड से लेकर राज्य तक जो दायित्व तो सौंप दिया है, अगर अपने दायित्वों को प्रखंड से लेकर पंचायत तक के लोक सेवक, मुखिया हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी, सही से निर्वहन करे तो तत्क्षण जो है सो हमें वो जो है सो कार्य पूरा करने में सहूलियत होगी, सहयोग होगी। लेकिन व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में ये लोग अनावश्यक इतने बड़े जन उपयोगी योजना को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। ये सारे के सारे कमीशन के खेल में ये विकास में गति नहीं आ रही है। ये राशि उनकी अपनी है। हाँ गलत करता है गांव देहात। और हम राज्य सरकार से चाहते हैं कि जो लोग भी अपने दायित्व को संवैधानिक रूप से निर्वहन समय से नहीं करता है, चाहे वह कोई भी हो, उस पर आप कार्रवाई करिएगा तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। हमने जिला पदाधिकारी को सुझाव दिया है कि आप जो तीनों अनुमंडल के किसी एक पंचायत में निकलिए और जब आप गांव में जाएंगे और इस योजनाओं की समीक्षा करेंगे और इस योजनाओं को प्रगति से लेकर बाधा तक देखेंगे, जो भी इसमें दोषी हो तत्क्षण उस पर कार्रवाई करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कार्य गति में आएगा, हमें सफलता मिलेगी, सीतामढ़ी सौभाग्यशाली बनेगा, मुख्यमंत्री निश्चय योजना का अवार्ड प्राप्त करने में सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप अन्य भी योजनाएं हैं जैसे शौचालय की राशि भुगतान सहित, उसमें भी DM साहब ने कहा कि मैं शीघ्र ही 50,000 का भुगतान करने जा रहा हूं और जो भी गरीबों से जुड़ा योजना है उसको मैं गति लाने के लिए प्रयत्नशील हूं। उन्होंने कल ही समीक्षा बैठक किया है और आज से कार्य में गति आना शुरू हो गया है। जिला से एक टीम आज परिहार भी गई है। हम उनके सहयोग के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हें महासंघ की ओर से जिला पदाधिकारी को हम धन्यवाद, बधाई और शुभकामना देते हैं कि सीतामढ़ी का सर्वांगीण विकास का जो आपका लक्ष्य है वो पूरा हो। मुखिया, असल सारा जो इल्जाम है ये मुखिया जी लोगों पर है। मुखिया जी लोगों को जब लाखों रुपए, करोड़ रुपए जब उनके खाते में जाने लगे तो उनको शायद ऐसे स्वप्न आने लगे कि ये सारे पैसे हमारे ही हैं और हम ही तो भेजा रहे थे, फिर इन वार्ड अध्यक्षों को सरकार ने कैसे दे दिया। अरे साहब, मुखिया जी लोग, हुजूर ये पैसे आपके नहीं है, ये पैसे सरकार के हैं और सरकार और सरकारी सिस्टम ये चाहती है कि सही मायने में जो गांधी जी का ख्वाब था कि जो पैसे होते हैं वो गांव ग्रामीण के लिए होते हैं और वो आम जनमानस तक उनके विकास के लिए तभी पहुंच सकते हैं जब इन मेंबरों के हाथ में पैसे आए। और जब ये हर घर नल जल योजना, शौचालय योजना, साफ सफाई योजना जो अभी इन्होंने
बताया जैसा भी अध्यक्ष महोदय ने कि लगभग दर्जनों योजनाओं का अध्यक्ष बनाया गया वार्ड सदस्यों को, तो ये पैसे इनके अकाउंट में मुखिया जी लोग आप लोग ट्रांसफर करिए, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और हो सकता है कि आप बर्खास्त भी होंगे। सरकार की योजनाएं धारों पर लागू होनी चाहिए, लेकिन फिर से मैं सरकार के काम में फिर से भाई सब सीतामढ़ी भोपू बजाना चाहेगा कि सरकार महोदय, हमने गांव ग्रामीण में सुना है कि हर एक माल का प्रचार होता है, छिपा लीजिए, कटवा लीजिए, जग लीजिए, डंडा लीजिए, ये लीजिए, 7 रुपये होता है ना। तो वैसे ही यहाँ चल रहा है, एक योजना चल रहा है सरकार का कि साहब 5 लाख रख लो, 10 लाख रख लो, 7 लाख रख लो, 8 लाख रख लो, वार्ड अध्यक्ष इसको संजो कर रखो, बचा कर रखो वार्ड अध्यक्ष, लेकिन 500 रुपये। अरे साहब हजूर, ये 500 रुपये में वार्ड अध्यक्षों का काम नहीं चलने को है, 5000 रुपये कम से कम सम्मानजनक मिलना चाहिए। या फिर अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये सरासर मानवाधिकारों का हनन होगा। इनकी मांगों के साथ वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिल्कुल एकदम एक सिरे से खड़ा है। आप सीतामढ़ी की खबरों का लाइव प्रसारण देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ सीतामढ़ी विद सलमान सागर, और हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और देखते रहे सीतामढ़ी की हर खबरों का यूं ही लाइव प्रसारण। थैंक यू।